भारतीय जनता पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। पहली ही लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी का जलवा कायम। दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम सिंह लोधी पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 का प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी घोषणा होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वहीं बात करते हैं सांसद घनश्याम सिंह लोधी की। सांसद घनश्याम सिंह लोधी का व्यवहार काफी सरल है। उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का ही हुआ है। इन 2 सालों में ज्यादातर समय घनश्याम सिंह लोधी का जनता के बीच में ही गुजरा। जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया और उन कल्याणकारी योजनाओं का रामपुर की जनता को लाभ भी पहुँचाया। कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य भी किए जो आज़ादी के बाद से किसी ने नहीं किए थे। लगभग 2 साल के अपने कार्यकाल में 700 से 800 करोड़ के विकास कार्य घनश्याम सिंह लोधी ने सांसद रहते हुए कराए। सांसद घनश्याम सिंह लोधी के परिवार में भी टिकट को लेकर काफ़ी खुशी का माहौल है और सभी लोग खुश हैं। उसके अलावा पार्टी और उनके चाहने वाले उनके बधाई देने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। बहरहाल इस खुशी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय पर भी जश्न का माहौल। आतिशबाजी छोड़कर सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया।